समारोह के साथ लोकार्पण हो चुका है। आप सभी लोग आगे उठकर खुशी वाली है कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 तारीख है, इसलिए पूरे विश्व भर सभी को सुख संतोष आनंद प्राप्ति के लिए पहला स्वास्थ्य होना चाहिए। स्वास्थ्यपूर्ण जीवन जीने के लिए योग बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों सरल दो आसन बताता हूँ, दो आसन से शुरू करें। हमारा ये ऑफिस का उद्घाटन लोकार्पण आसन से करेंगे, इसलिए हमारा बोल उमा जी भी बचपन से बहुत उत्तम संस्कार संस्कृत से उनका जन्म हुआ और माता पिता जी भी उत्तम संस्कार आचार विचार दे दिया। उनका जीवन बहुत शुद्ध और चारित्रवान देश प्रेमा कृषि एवं को प्रेरणा और खेती लोगों को मार्गदर्शन और करते रहते हैं। उनका जीवन सामान्य जीवन से विशेष जीवन तक उनका मेहनत और चारित्र और तो मनोबल आत्मबल से उन्होंने बढ़ रहे हैं। बहुत हम सभी लोगों को गर्व है, इसलिए इस शुभ संदर्भ में उनको हार्दिक शुभकामनाएं कहता हूँ। आप सभी लोगों को भी हार्दिक शुभकामनाएं। योग दिवस पर एक दो आसन करेंगे। पहला वन श्वास ले, श्वास ले, श्वास छोड़, वन आप लेंगे सर बात कर वन टू
सभी को मेरा शुभकामनाएं और आने वाला 21 तारीख को 8वीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी आपको मेरा शुभकामनाएं। भारत सदियों से विश्व गुरु रहा और हमारा परंपरागत ऋषि मुनियों ने हमें योग ध्यान प्राणायाम के माध्यम से स्वस्थ जीवन सुंदर जीवन के लिए प्रेरित किया है। जीवन में भौतिक संपत्ति अधिकार से ज़्यादा संतोष देने वाला बात हमारा अच्छा स्वस्थ दे सकती है, इसी के लिए हम लोग सभी ने हर दिन हमारे जीवन का योग प्राणायाम और ध्यान दिन का दिनचर्या में एक भाग हो, यही विनती के साथ आप सभी को मेरे शुभकामनाओं के साथ बात में समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। योगासन के साथ साथ पूजा के साथ हुआ, इसलिए योग अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पूरा समस्त मानव कुल योग करके शरीर मन मस्तिष्क को स्वास्थ्यपूर्ण रखने के लिए, परमात्मा से जोड़ने के लिए, हमारे शरीर मन एकत्रित करने के लिए एक बहुत उत्तम माध्यम है। इसलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी पूरा योग का फैलने के लिए, हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप भी रोज़ योग करें, पूजा पाठ करें, मानसिक स्वास्थ्य होता है, योग करने से शारीरिक स्वास्थ्य होता है। इसलिए योग के बारे में चार शब्द बहुत अनमोल का शब्द हमारे भगवान गुब्बा जी भी बताया है, उनको आपको सभी को भी आभार।